हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लेकर आए हैं बची हुई पूरियों से सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाले लड्डू की रेसिपी। ये काफ़ी टेस्टी बने हैं, लुकिंग देख सकते हैं कितनी डिलीशियस है। आप इसे चूरमा के लड्डू भी कह सकते हैं। वैसे तो चूरमा के लड्डू बनाने में काफ़ी लंबा प्रोसीजर होता है, लेकिन बची हुई पूरियों से हम ये लड्डू झट से बनाएंगे, इसलिए आप वीडियो को पूरा ज़रूर से देखें। बनाने में इतना आसान है कि आप कभी भी इन्हें बना सकते हैं जब भी पूरियाँ बचती हैं। तो देखते हैं यह किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर 10 से 12 पूरियाँ ली हैं जो मेरे पास बच गई थी। हम फेस्टिवल पे पूरियाँ बनाते हैं, अक्सर कर बच जाती हैं, तो उन पूरियों से हम ये लड्डू आसानी से बना सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो ये पूरियाँ हैं ना, इनको हम टुकड़ों में इस तरीके से तोड़ लेंगे। वैसे भी हमें इन्हें मिक्सी के जार में पीस लेना है, तो सारी पूरियों को हम इस तरीके से तोड़ लेंगे। मैंने इनमें नमक और अजवाइन नहीं डाले थे, कोशिश कर आप इसमें नमक और अजवाइन को स्किप कर दीजिएगा। और इस तरीके से सारी पूरियों को तोड़कर मैंने तैयार कर लिया है। अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे और इस जार में हम ये पूरियों के टुकड़े डाल देंगे और इसको पीस लेंगे, मतलब अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। मैं इनको दो बैचेज में पीस लूँगी। तो हमने इनको पीस कर तैयार कर लिया है और मैं आपको एक बार इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ। देखिए, इस तरीके से दरदरा हमें इसको पीस कर तैयार करना है। देखिए, आपको दिखाई दे रहा है, बस इस तरीके से हम इसको पीसेंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ। तो हमने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है, इसमें हम एक से डेढ़ चम्मच के करीब घी डाल देंगे। घी हमें ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि ये लड्डू हम पूरियों से बना रहे हैं जो ऑलरेडी सिकी हुई हैं। अब हम इसके अंदर ये पूरियों का पाउडर डाल देंगे जो अभी हमने पीस कर तैयार किया है। लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट तक हम इसे भूनेंगे, जब तक इसमें से बढ़िया सी खुशबू ना आने लगे या इसका कलर चेंज नहीं हो जाता है। और भूनते भूनते आपको रियलाइज़ होगा कि यह थोड़े से कुरकुरे हो गए हैं। लो फ्लेम पर हमें इसे लगातार चलाते हुए भूनना है। काफ़ी टेस्टी हमारे लड्डू बनते हैं। अगर आपने इस रेसिपी से ये लड्डू बनाए ना, तो यकीन मानिए आप एक्स्ट्रा पूरी बनाएंगे। इसके लिए बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी लड्डू बनकर तैयार होते हैं। लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट तक हम इसे ऐसे ही भूनते रहेंगे और आप देख सकते हैं जो इसका कलर है काफ़ी चेंज हो गया है। और मेरी जो किचन है ना, इसमें एक बढ़िया सी खुशबू चारों तरफ फैल गई है। और आप देख सकते हैं जो इसका टेक्सचर है काफ़ी क्रिस्पी हो गया है। फ्लेम को अब हम बंद कर देंगे और एक मिक्सिंग बोल में हम इनको ट्रांसफ़र करेंगे और इसे हम अच्छे से ठंडा होने देते हैं। तो आप देख सकते हैं यह अच्छे से ठंडे हो गए हैं, मैं इनको हाथ से भी अच्छे से टच कर पा रही हूँ। अब हम इसके अंदर डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी चॉइस से कोई भी डाल सकते हैं या इसकी भी कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर कटे हुए बादाम, काजू और पिस्ता को डाल दिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1/4 चम्मच इलायची पाउडर। इससे जो लड्डू हैं उनमें काफ़ी बढ़िया खुशबू आएगी और टेस्ट तो इन्हेंस होता ही है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 2/3 कप के करीब पिसी हुई चीनी। चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या पहले आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, उसके बाद आप एक बार इसे टेस्ट कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि मीठा कम है तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम इसे हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे जो हमने मीठा डाला है वह इसमें अच्छे से मिक्सअप हो जाएगा और हमें पता भी चल जाएगा कि इसमें हम लड्डू बांध सकते हैं या नहीं। तो मैं लड्डू को बांध रही हूँ, लेकिन मुझे इसमें थोड़ी सी कमी लग रही है, तो मैं इसमें 1 से 1.5 चम्मच के करीब ये पिघला हुआ घी डाल दूँगी। घी को हमने अच्छे से मेल्ट कर लिया है और लगभग 1 चम्मच के करीब मैं घी
डालूंगी इसमें, इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि हमने जब इसे भूना था उसमें हमने एक चम्मच घी डाला था, एक चम्मच के करीब घी मैंने इसमें और डाल दिया है। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसके लड्डू बनाते हैं। अगर आपको लगता है कि अब भी लड्डू बनने में दिक्कत है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध डाल सकते हैं या थोड़ा सा घी मेल्ट करके भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और इस तरीके से टाइट हाथों से बांध लेंगे हम लड्डू। तो देखिए कितने बढ़िया हमारे लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। आप चाहें तो ऐसे भी खुला इसको सर्व कर सकते हैं। तो हमने इस तरीके से सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेने हैं और मार्केट स्टाइल में हम इसे सर्व करेंगे। लुकिंग देखकर कोई कह सकता है कि हमने इसे बची हुई पूरियों से बनाया है। बिल्कुल भी नहीं। कटे हुए पिस्ता से हम इस तरीके से गार्निश करेंगे, जिससे यह देखने में भी और सुंदर लगेंगे। आप चाहें तो इनको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, आप इनको स्टोर कर भी रख सकते हैं। लुकिंग देखिए कितनी टेम्पटिंग है और कोई यकीन नहीं करेगा कि आपने इसे बची हुई पूरियों से बनाया है। अब आज से आपके पास अगर पूरियाँ बच जाती हैं तो घबराइए नहीं, आप इस तरीके से लड्डू बना सकते हैं, सभी को काफ़ी पसंद आने वाले हैं। बिना तामझाम के हम ये रेसिपी बना रहे हैं जो सभी को काफ़ी पसंद आएगी। और मैं आपको इसे तोड़कर भी दिखा देती हूँ। देखिए कितने सॉफ्ट हैं हमारे ये लड्डू। इसे आप इजी तरीके से बना सकते हैं और सबके साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो आप इसे बनाइए, एंजॉय कीजिए और बनाने के बाद कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और मुझे आपके लिए कौन सी रेसिपी बनानी है, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ के साथ बेल आइकन भी दबाना ना भूलिए, जिससे मेरी रेसिपी के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।